सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले टाटा इलेक्सा लिमिटेड के बारे में। नॉट ओनली दिस पर्टिकुलर कंपनी ने अपने जून क्वार्टर के रिजल्ट को भी डिक्लेयर किया है कुछ दिन पहले, उसी के साथ साथ क्या स्टॉक को लेके ब्रोकरेज का आउटलुक है, सारी चीज़ों को एनालिसिस करेंगे। वीडियो के एंड तक प्लीज जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम जानते हैं बेसिक चीज़ें अबाउट द कंपनी। टाटा इलेक्सा इज अमंग द वर्ल्ड लीडिंग प्रोवाइडर्स ऑफ डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी सर्विस अक्रॉस इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग ऑटोमोटिव, मीडिया, कम्युनिकेशन एंड हेल्थ केयर। टाटा इलेक्सा प्रोवाइड्स इंटीग्रेटेड सर्विस फॉर रिसर्च एंड स्ट्रेटेजी टू इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल डिजाइन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वैलिडेशन एंड डिप्लॉयमेंट, एंड इट्स सपोर्टेड बाय अ नेटवर्क ऑफ डिजाइन स्टूडियोज, ग्लोबल डेवलपमेंट सेंटर्स एंड ऑफिशियल्स वेबसाइट। अगर इस पर्टिकुलर कंपनी का हम जियोग्राफिकल प्रेजेंस देखें सो एंड इसका रेवेन्यू ऑपरेशन देखें सो 36.5% जो है वो यूरोप से आता है, अमेरिका से 36%, इंडिया से 13%, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 14.5%, एंड इनकम एंड रेवेन्यू आता है एम्बेडेड प्रोडक्ट्स एंड डिजाइनिंग से। अगर इस पर्टिकुलर कंपनी का हम टोटल मार्केट कैप देखें 26,000 करोड़, करेंट प्राइस 4,190, 52 weeks high 4,575, स्टॉक का पी 63.2। अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें वो 40% एंड रिटर्न ऑन इक्विटी 29.9, द बेस्ट इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट। अगर पीयर्स को कंपेयर करें सो पीयर्स में जो कंपनी है उसमें टाटा इलेक्सा का मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइज ये नंबर 5th पे आता है, एंड पीई वाइज ये बहुत एक्सपेंसिव तो नहीं है। सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव अगर किसी पर्टिकुलर स्टॉक है वो हैप्पीएस्ट माइंड, हालांकि ये स्टॉक भी अपने हाई से गिरा है लेकिन थोड़ा बहुत करेक्शन के बाद स्टॉक फिर से स्टेबल है, एंड हैप्पीएस्ट माइंड इज वन ऑफ आवर टॉप पिक इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट विद परसिस्टेंट सिस्टम्स एंड एलएनटी टेक्नोलॉजी। ये चारों स्टॉक है इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर जहां पे सबसे अच्छा अगर हम कंपनी का पीई देखे वो एलएनटी टेक्नोलॉजीज का, लेकिन अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो सबसे बढ़िया टाटा इलेक्सा। नाउ इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस पर्टिकुलर कंपनी के जून के रिजल्ट। सेल्स 518 करोड़ से बढ़कर 558 करोड़ हुए हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट थोड़े गिरे 168 करोड़ से गिर के 158 करोड़, क्योंकि इनके एक्सपेंसेस 350 करोड़ से 408 करोड़ हुआ है। किसी आईटी कंपनी का जब एक्सपेंसेस बढ़ते हैं इन दिस पर्टिकुलर यानी फर्स्ट क्वार्टर में तो उसका मतलब ये होता है कि सैलरी में इंक्रीज होने के कारण ही नॉर्मली एक्सपेंसेस इनके बढ़े हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 162 करोड़ अगेंस्ट 155, यानी 162 करोड़ से गिर के 154 करोड़ हुए हैं। नेट प्रॉफिट 115 करोड़ से गिर के 113 करोड़। ना 113 करोड़ बहुत कम तो नहीं है, क्योंकि एक्सपेंसेस जिस तरह से बढ़े अकॉर्डिंग टू दैट इनके नेट प्रॉफिट उतने गिरे नहीं है, एंड ये एक्सपेंसेस वन टाइम एक्सपेंसेस आने वाले क्वार्टर में हम नेट प्रॉफिट में अच्छा खासा जम देखेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। एंड इसी के ऊपर बेस करके शेयर खान ने भी इस पर्टिकुलर शेयर के टारगेट को इंक्रीज किया। अकॉर्डिंग टू शेयर खान दिस पर्टिकुलर शेयर टारगेट इज 5,000, एंड और भी जो दिग्गज ब्रोकरेज है उन्होंने भी 5,000 के करीब या फिर 5,000 के ऊपर का टारगेट दिया है फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक इन द नेक्स्ट 6 मंथ टू 1 ईयर होराइजन। अगर इस पर्टिकुलर कंपनी के हम कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को एनालिसिस करें सो इन दैट केस लास्ट 12 मंथ का अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस चार्ट देखें सो उसमें भी जो सेल्स है वो 1,984 करोड़ कंपनी ने डिक्लेयर किया है, जो कि ऑल टाइम हाई है इन द लास्ट फ्यू ईयर्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी हाईएस्ट इन द लास्ट फ्यू ईयर्स है, जो कि 580 करोड़ है। अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें वो भी 570 करोड़ हाईएस्ट है, एंड नेट प्रॉफिट 413 करोड़ कंपेयरिंग टू FY 2019-2020-21 ये सबसे ज़्यादा कंपनी ने शो किया। सो ईयर ऑन ईयर रिजल्ट के बेसिस पे अगर कंपेयर करें वो शानदार है। फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY 2022 थोड़े खराब है, या फिर आप एकदम फ्लैट रिजल्ट आप बोल सकते हो, लेकिन आने वाले दिनों में रिजल्ट अच्छे होंगे। इसका कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ 5 ईयर्स में 11% है, कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ 5 ईयर्स में 19%। स्टॉक का CAGR प्राइस को देखें तो 10 ईयर्स में 42%, 5 ईयर्स में 38%, 3 ईयर्स में 45%। रिटर्न ऑन इक्विटी भी 10 ईयर्स में 32%, 5 ईयर्स में 32%, 3 ईयर्स में 30%। यानी कंसिस्टेंट रिटर्न ऑन इक्विटी, कंसिस्टेंट CAGR प्राइस ग्रोथ, कंसिस्टेंट सेल्स ग्रोथ एंड कंसिस्टेंट प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी ने शो किया है। सबसे लास्ट में हम जानेंगे इस पर्टिकुलर कंपनी के कैश फ्लो के बारे में एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। कैश फ्लो 256 करोड़ एंड मार्च 2021 तक 437 करोड़, यानी बहुत अच्छे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कंपनी ने मेंटेन किया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रोमोटर्स के पास 44.53% का स्टेक है, FII के पास 11.81, DII के पास 5.57। इंपॉर्टेंट फैक्टर है इतना अच्छा कंपनी होने के कारण भी FII DII का जो स्टेक है वो उतने बड़े या नहीं है। हालांकि पब्लिक होल्डिंग 37.89% है, एंड पब्लिक होल्डिंग पैटर्न
जो है वो बहुत अच्छा है, यानी प्रोमोटर्स के बाद पब्लिक होल्डिंग सबसे ज्यादा है इन दिस पर्टिकुलर कंपनी। एंड आने वाले टाइम में अगर पब्लिक होल्डिंग थोड़ा घटता है तो इन दैट केस ही FII DII अपने स्टेक को बढ़ा पाएंगे। सो ये था टाटा इलेक्ट्रिक स्टॉक को लेकर आउटलुक। स्टॉक 4100 का रिपेट कर रहा है एंड इट्स ऑलवेज अट्रैक्टिव बेट फॉर इन्वेस्ट इन द लॉन्गर हॉराइजन। ये स्टॉक आप कभी भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो, हॉराइजन लॉन्गर रखना। ये स्टॉक आने वाले दिनों में आपको बहुत ज़्यादा और भी मल्टीपल का रिटर्न देगा, इसमें कोई ऑब्जेक्शन या फिर डाउट किसी को नहीं है। सी यू। सो वीडियो इन्फॉर्मेटिव बना, अच्छा लगे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, टिल देन गुड बाय।